नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं उदित उपाध्याय। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अंदर एक से बढ़कर एक नफरती और भड़काऊ नेताओं की फौज भरी हुई है, जो आए दिन किसी ना किसी मुद्दे पर झूठ फैलाकर देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इसके पीछे इनका मकसद होता है कि बीजेपी की सरकार कैसे बदनाम हो और कांग्रेस की बंजर पड़ती जा रही सियासी जमीन उपजाऊ बने। इनमें से एक हैं अपने बेतुके और घटिया बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस नेता उदित। ये वही नेता हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी में थे, लेकिन टिकट न मिलने से बौखलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। मगर यहां भी उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो सोचकर कांग्रेस का दामन थामा था वैसा कोई भी इनाम नहीं मिला। अगर इन्हें हर रोज कोई इनाम मिलता है तो वो आप इनके सोशल मीडिया अकाउंटों पर जाकर देख सकते हैं, या इनकी नफरती पोस्टों पर लोग इतना गरियाते हैं कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यहां तक कि सोशल मीडिया यूजर्स इनकी इस हरकत की वजह से अलग अलग नाम दे रखे हैं। इसी बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेता उदित ने उन्नाव केस को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक पोस्ट डाली, लेकिन वो भूल गए थे कि जहां ये झूठी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं वहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो इन जैसों का अच्छा खासा इलाज करना जानते हैं। चाहे फिर वो कितना भी बड़ा नेता या बदमाश क्यों ना हो, सबक अच्छा सिखाते हैं। और ऐसा हुआ भी। दरअसल उन्नाव मामले पर झूठ फैलाने वाले कांग्रेस नेता उदित राज पर केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ उन्नाव सदर कोतवाली उन्नाव में FIR दर्ज कराई गई है। बड़ी बात यह है कि CM योगी के निर्देश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल उन्नाव कांड के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक पोस्टें शेयर की जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उन्नाव प्रकरण पर गलत या भ्रामक दुष्प्रचार करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले और भ्रामक चीजें फैलाने वालों पर तुरंत FIR की जाए। इसके लिए योगी सरकार ने गृह विभाग को आदेश देते हुए साइबर विशेषज्ञों को भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की तलाश तेज करने के आदेश दिए थे। इसी मामले के तहत उदित राज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब ये भी जान लीजिए कि उन्नाव मामले पर उदित राज ने क्या झूठ फैलाया जिसके बाद उन पर केस दर्ज हो गया। दरअसल उदित राज उन्नाव में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, लेकिन पुलिस ने कानूनी व्यवस्था का ध्यान रखते हुए लड़कियों के परिजनों से उन्हें मिलने नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने मीडिया को बताया कि बच्चियों के साथ रेप की घटना भी हो सकती है। योगी सरकार मामले को दबा रही है और इस बाइट को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया था। उसमें हमने देखा कि सरकार लिपापोती करती है और संभवतः इसमें भी लिपापोती कर रही है। क्या वजह है कि उनके घर वालों को या उसके बाप को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख लिया, कोई बात नहीं कर पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जब अगर जहर उन्होंने खाया तो अपने आप को बांधा कैसे है, ये मेरे समझ में नहीं आता या किसी के समझ में नहीं आया कि लड़कियां अगर जहर से मरी हुई तो बांधा, उनके शरीर को बांधा किसने? मरने वाले तो अपने को शरीर को बांधेंगे नहीं। तो ये पूरा जांच CBI स्तर पर किया जाना चाहिए और डेड बॉडी को तुरंत यहां पर ले आकर के फिर से पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए और घर वालों को जो पुलिस की कस्टडी में। उदित राज को यह सब झूठ बोलना भारी पड़ गया है। FIR की कॉपी के मुताबिक उन्नाव में लड़कियों की मौत को लेकर उदित राज ने अपने ट्वीट में भ्रामक जानकारी फैलाई, जिसमें उन्होंने लड़कियों के साथ बलात्कार और शव को परिजनों की मंशा के खिलाफ जलाए जाने की बात कही है। लेकिन सच यह है कि लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं उनके शवों को परिजनों की मंशा के अनुरूप बिना किसी दबाव के दफनाया गया। उधर इस मुद्दे पर राजनीतिक गिद्धों के प्रोपेगेंडा की हवा तब निकल गई जब आरोपी भी दलित समाज से ही निकले और मामला रेप का नहीं प्रेम प्रसंग का निकला। शुरू में तो इन गिद्धों ने इस मामले को हाथरस कांड जैसा माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई आने के बाद ये बिल में जा चुके। खैर, जब कांग्रेस के बड़े नेता ही झूठ फैलाने के लिए मशहूर हैं, तो फिर उनके छोटे मोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से झूठ फैलाना तो आम बात है, क्योंकि प्रियंका गांधी तो आए दिन कोई ना कोई झूठ परोसी देती हैं जो पकड़ा भी जाता है। इसीलिए अब प्रियंका गांधी को भी समझना होगा कि इस बार झूठ फैलाया तो UP पुलिस के एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।